Good morning, all of you. Morning, sir. Good morning, sir. So why students are less? Number of students are less. बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। लिंक्स तो सबको जा रही है। ओके, सो लास्ट टाइम वी हैव गॉन थ्रू द प्रैक्टिकल ऑफ रेडॉक्स। आई होप ऑल ऑफ यू हैव perform the things, calculations and writing and everything. Okay, so today we are going for the next practical, and that is a hardness practical. Okay, so now today we are going for the hardness determination. What we are learning since almost last 3 to 4 lectures, we are discussing about lot of discussion we have gone through regarding the hardness, whatever temporary hardness, permanent hardness, and then total hardness. We have gone through some calculations or some numericals also, right? Now how practically hardness can be determined, that is very very interesting part again. So we are going for the hardness practical. आज मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अपना रिकॉर्ड बुक साथ में ही रखें, और जो जो मैं चीजें आपके स्लाइड पे दिख रही है वो सारी चीजें जो है वो आपको मतलब ये करनी है, लिखते जानी है, ठीक है? ओके, सो सिमिलरली आज हम प्रैक्टिकल पहले समझेंगे और उसके बाद उसका पूरा वीडियो हम डेमोन्स्ट्रेशन में देखेंगे, राइट? सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट प्रैक्टिकल। आई एम शेयरिंग माय पीपीटी और हार्डनेस का प्रैक्टिकल का मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, और वन बाय वन हम समझते जाएंगे, ठीक है? और उसको फिर हम प्रॉपरली आफ्टर द प्रैक्टिकल आई विल सेंड द पीडीएफ फाइल आल्सो, राइट, ऑफ दिस प्रैक्टिकल। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड बुक में साथ में लिखते जाना है, और रिकॉर्ड बुक में आपका काम खत्म हो जाना चाहिए, and then your manual should be also finished. Okay, so next practical is the determination of your hardness. I hope all of you can see the practical on screen. No sir. Ab aa raha hai? लिखना शुरू करो। मैं बोलूंगा ये लिखना है और ये नहीं लिखना है, ठीक है? जो थियोरी पार्ट है वो लिखना नहीं है आपको, जो चीजें मैं बता रहा हूँ। सो योर ऑब्जेक्टिव इज कंपल्सरी फर्स्ट लिखना है। तो अवर ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टेम्पररी, परमानेंट एंड टोटल हार्डनेस इन द गिवन सैंपल ऑफ water by EDTA method. Now this is the objective you have to write in your record book, right? आपकी objective को record book में तो लिखना है, definitely experiment number 2, और आज की date डालनी है record book में, और आपको compulsory ये सारी चीजें लिखनी होती है। So our objective is to determine the amount of temporary, permanent and total hardness in the given sample of water by EDTA method. This is the first thing you have to write in your record book. Now
इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये नहीं लिखना है आपको, आपसे सॉरी, ये इंट्रोडक्शन आपको लिखना नहीं है सर क्योंकि बाकी और रह गया वो सर, क्या वो फिर प्रीवियस। या हाँ इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो आपको नहीं लिखना है। इट इज अ थियरी पार्ट विच विल बी गिवन इन योर मैन्युअल, राइट? आपको मैन्युअल में भेजूंगा, उसमें सारी चीजें आ जाएगी, तो चिंता मत करो, ठीक है? तो यू हैव टू राइट फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, एक्सक्यूज मी सर, यस। सर रिकॉर्ड बुक में डेट और लैब मैनुअल में डेट सेम होना चाहिए कि जिस दिन हो रहा है वही लिखे? कोई टेंशन नहीं है, जैसे अगर आपने लास्ट प्रैक्टिकल में क्या किया था, हमने कि प्रैक्टिकल पहले बाद में किया था, रिकॉर्ड बुक में पहले लिखा था, तो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन मैनेज द डेट। जनरली ऐसा नहीं होगा, जनरली ऐसा ही होगा, ये पहला प्रैक्टिकल था इसलिए थोड़ा हम वेट भी कर रहे थे, बच्चे ज्वाइन कर ले, इसलिए हमने दो पार्ट में किया था। एक पार्ट में हमने आपको एक्सप्लेन किया था, दूसरे में डेमो करवाया था, ठीक है? बट ओके सर, नाउ ऑनवर्ड जनरली ऐसे ही होगा कि पहले 2 घंटे में से 1 घंटा मैं पहले पढ़ाऊंगा, लिखवाऊंगा आपको, और उसके बाद 1 घंटे के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा और कैलकुलेशन करवाऊंगा, ठीक है? तो जनरली एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। इट्स ओके, पहले प्रैक्टिकल में आप दोनों में से कोई भी एक डेट दोनों में डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो दोनों की अलग अलग डेट भी होगी, देयर इज नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली, राइट? चिंता नहीं करनी इसकी। ओके, सो हार्डनेस ऑफ वाटर, वी नो वी हैव गॉन थ्रू द थियरी, राइट? बेसिकली इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर बाय विच इट कैन प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ लेदर और फोम विथ सोप। तो मतलब ये एक एबिलिटी है, या तो हम उसको बोल सकते हैं सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी, राइट? और लेदर फॉर्मेशन कैपेसिटी भी बोल सकते हैं इसको, दैट इज कॉल्ड अ हार्डनेस। अब हमको पता है कि हार्डनेस ये कैल्शियम और मैग्नीशियम से ही मिलती है मैक्सिमम, और उसके लिए हम लोग कैलकुलेशन भी करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है? कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट का, वो भी हम आगे जाएंगे। सो दीज रिएक्शंस आर फॉर द स्टीयरिक एसिड, सोडियम सॉल्ट्स हैं, स्टीयरेट है, सोडियम स्टीयरेट। तो ये कैल्शियम क्लोराइड के साथ आपका NaCl और कैल्शियम स्टीयरेट देते हैं, जो कि आपका इनसॉल्यूबल सॉल्ट है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस इनसॉल्यूबल सॉल्ट वी डू नॉट गेट गुड अमाउंट ऑफ लेदर, लेदर फॉर्मेशन या फोम फॉर्मेशन, राइट? फोमिंग अच्छा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि अगर आपके पानी में कैल्शियम के सॉल्ट होंगे, मैग्नीशियम के सॉल्ट होंगे, विच बेसिकली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी हार्डनेस, तो आपका सोप कंज्यूम ज्यादा होगा और फोम होगा नहीं, राइट? ये रिएक्शंस भी हमने थियरी पार्ट में, यू नो, वी हैव गॉन थ्रू ये थियरी पार्ट। सो इट्स अ बेसिक। नाउ देर आर टू डिफरेंट हार्डनेस, वी नो देर इज अ टेम्पररी हार्डनेस। अच्छा, जो बच्चे, कुछ बच्चे एबसेंट भी थे थियरी पार्ट में, तो ये यहाँ पर वो थियरी पार्ट भी कवर हो जाता है, ठीक है? बिकॉज थियरी एंड प्रैक्टिकल्स आर कनेक्टेड। सो टेम्पररी हार्डनेस क्या है, सर वो रिएक्शंस लिखनी है कौन सी? हाँ, ये इसके लिखनी पहले है, की या स्लाइड या या, या रिएक्शन लिख देनी है, ये रिएक्शन लिखनी है, लिख लीजिए आप फटाफट, ओनली रिएक्शंस करके लिखिए, उसके बाद ये वाली भी लिखेंगे हम लोग, ठीक है? तो रिएक्शन, यस, सर, लेकिन ऑब्जेक्टिव के बाद अपराटस नहीं आएगा, उसके बाद लिखते ओ, हैं ये जरूरी रिएक्शन। नहीं है। एक काम मैं बताता हूँ आपको, अभी अभी एक काम करिए, अभी रिएक्शंस मत लिखिए, रिएक्शंस का जब बारी आएगा ना, तब मैं बताऊंगा, ये सारे रिएक्शंस आप एक साथ में ही लिख लीजिएगा, ठीक है? मैं बता दूंगा वही आपको, सर, यस या ठीक सर। है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट डजेंट मैटर कि आपने थोड़ा सीक्वेंस आगे पीछे किया, इट्स ओके, फाइन, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है? सो टेम्पररी हार्डनेस इज बेसिकली ड्यू टू द बाइकार्बोनेट, जनरली बाइकार्बोनेट जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के, उसकी वजह से टेम्पररी हार्डनेस आपकी आती है पानी में। एंड वी कैन जस्ट रिमूव दिस टेम्पररी हार्डनेस बाय बॉइलिंग वाटर, वाटर को बॉइल कर दो आप, तो व्हाट विल हैपन दैट कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा बाई कैल्शियम कार्बोनेट में, और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट विल बी कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्साइड। दिस बोथ से दिस यू नो सॉल्ट्स, दिस बोथ द सॉल्ट्स, दिस कैल्शियम कार्बोनेट ये भी इनसोल्युबल है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी इनसोल्युबल, ठीक है?
तो क्या होगा, जिसमें टेम्पररी हार्डनेस है उसको हम बॉईल करेंगे तो ये पूरे सॉल्ट इनसोल्युबल हो जाएंगे, इसको फिल्टर कर लो आपका पानी प्योर हो जाएगा। तो बाइकार्बोनेट्स की इम्प्योरिटीज या हार्डनेस वी कैन रिमूव बाय जस्ट बॉइलिंग, पानी से मतलब बॉईल कर दो आप ना सॉल्यूशन और खत्म। अगेन वी नो दैट इट इज कॉल्ड अल्कलाइन हार्डनेस, उसका दूसरा नाम है अल्कलाइन हार्डनेस और इट इज ऑल्सो नोन एज कार्बोनेट हार्डनेस। तो आपको पता होना चाहिए कि टेम्पररी हार्डनेस के दो और भी नाम है, कार्बोनेट हार्डनेस एंड अल्कलाइन हार्डनेस। नाउ परमानेंट हार्डनेस क्या है, तो परमानेंट हार्डनेस जनरली इट इज बिकॉज ऑफ अदर सॉल्ट ऑफ क्लोराइड सल्फेट नाइट्रेट राइट, ये सारे सॉल्ट की वजह से होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के और अदर हैवी मेटल्स ऑल्सो, बट दे कैन नॉट बी रिमूव बाय बॉइलिंग जस्ट, क्योंकि ये सारे सोल्यूबल हार्डनेस होते हैं, इसको गर्म करेंगे तो भी इनसोल्यूबल फॉर्म में नहीं आते। तो मतलब क्या हुआ, इसको हमको कुछ केमिकल मेथड से रिमूव करना पड़ेगा जो हम अभी पढ़ रहे हैं, यू नो जियोलॉजी मेथड पढ़ रहे हैं, आज हम आयन एक्सचेंज का मेथड पढ़ेंगे राइट, बट वी कैन नॉट रिमूव बाय बॉइलिंग, बॉइल करने से कोई फायदा नहीं होता है, बॉइल करने से ओनली टेम्पररी हार्डनेस कैन बी रिमूव, रिमेंबर दैट। अगेन दिस इज ऑल्सो नोन एज ए नॉन कार्बोनेट हार्डनेस और नॉन अल्कलाइन हार्डनेस, अभी हमने देखा इट इज ऑल्सो नोन एज ए कार्बोनेट और अल्कलाइन, इसको बोलते हैं नॉन कार्बोनेट और नॉन अल्कलाइन हार्डनेस। नाउ हाउ टू डिटरमाइन दिस हार्डनेस, देखो देर आर टू डिफरेंट टर्म्स, रिमेंबर वॉट वी आर लर्निंग इन थियरी पार्ट इट इज अ रिमूवल ऑफ हार्डनेस राइट, और अभी जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस कर रहे हैं, जब हमको पता चलेगा कि इसमें हार्डनेस कितनी है तब तो हम रिमूव करेंगे ना, ठीक है। सो प्लीज डोंट बी यू नो कंफ्यूज्ड बिटवीन द डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस एंड यू नो रिमूवल ऑफ हार्डनेस। रिमूवल ऑफ हार्डनेस में हम हार्डनेस को पानी से रिमूव कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन में रिमूव नहीं कर रहे हैं, उसमें ढूंढ रहे थे इसमें कितनी हार्डनेस है, बस इतना डिफरेंस है। सो प्लीज डोंट बी मच कंफ्यूज्ड, देयर आर थ्री मेथड्स, वन इज द ओहेनर्स मेथड, सोप टाइट्रेशन मेथड एंड ईडीटीए मेथड, ये तीन मेथड्स हैं। ये तीनों मेथड्स आपको नाम याद होने चाहिए वाइवा के लिए या एग्जाम के लिए, ओहेनर्स मेथड, दूसरा है सोप टाइट्रेशन मेथड और तीसरा है ईडीटीए मेथड। ओके, ये तीन मेथड आपको याद होने चाहिए नाम बस, बाकी हम जाएंगे डिटेल में, वो जाएंगे ईडीटीए मेथड पे जाएंगे, हम लोग जाएंगे वो ईडीटीए मेथड पे जाएंगे, ये दो मेथड हम यहाँ नहीं करने वाले हैं, इट इज जस्ट ओनली द नेम्स यू हैव टू रिमेम्बर। ओके नाउ ईडीटीए मेथड है क्या, तो EDTA method is also known as a complexometric titration method. This is also known as a complexometric titration method. You have learned lot of things about the complexes with a metal and ligand. This is also metal ligand chemistry which we are going to learn. Here we are going for a new indicator you have not heard before this. It is called EBT. It is called EBT, and the indicator full form name is iridochrome black tea. Iridochrome black tea. कुछ बच्चे इसको iridochrome black tea भी बोलते हैं, ठीक है चलेगा। So it is iridochrome black tea. इसको हम short में बोलते हैं EBT. Right? तो आपको question पूछा जा सकता है, What is the full form of EBT? आपको आना चाहिए एरियोक्रोम ब्लैक टी, कुछ बोलते एरियोक्रोम, कुछ बोलते एरीक्रोम ब्लैक टी, लेकिन एरीक्रोम इज नॉट अ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन राइट। EDTA का फुल फॉर्म किसी को पता है, EDTA का फुल फॉर्म आता है किसी को, इथिलीन डायमेथाइल टेट्राएसीटेट, इथिलीन डायमेथाइल टेट्रा,
एसिटिक एसिड एसिटेड एसिटेड एसिड। हाँ एसिटेड देखो मैं बताता हूँ आपको, इडियो एसिटेट मतलब EDTA का फुल फॉर्म जो है वो तो आना चाहिए ही, लेकिन जनरली EDTA है क्या, तो इथिलीन, तो मतलब ये आपका इथिलीन ग्रुप हो गया, राइट, ये आपका इथिलीन हो गया, फॉर्मूला भी आनी चाहिए। डायमाइन मतलब ये दोनों साइड नाइट्रोजन एमाइन का है, ये आपका डायमाइन हो गया, ठीक है। टेट्रा एसिटेट तो मतलब यहाँ ये चार चीजों को, हाइड्रोजन को हमको रिमूव करना पड़ेगा, टेट्रा एसिटिक एसिड बनाने के लिए। सो नाउ आई विल राइट हियर CH2COO-, दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ EDTA। इज इट रियली करेक्ट और समथिंग इज मिसिंग? क्लोज ब्रैकेट फॉल्ट नहीं, करेक्ट नाइट्रोजन में जो जो होता फ्लो है। वेरी करेक्ट, बिकॉज ये ही तो मेन चीज है जिसकी वजह से आपका लिगेंड बन रहा है ना, डोनेट कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन। यस करेक्ट, अब सही है। अरे कहाँ चला गया ये? ओके अब सही है, ठीक है। यस बिकॉज हियर देर आर नेगेटिव चार्ज, इट मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, सो टोटल आपका जो है वो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, पांच इलेक्ट्रॉन, छह इलेक्ट्रॉन किसको देगा? कैल्शियम और मैग्नीशियम को। तो ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है, दिस इज हेक्साडेंटेट लिगेंड, इट इज EDTA, ठीक है। ये आपका हेक्साडेंटेट लिगेंड है, तो आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए या स्ट्रक्चर लिखना आना चाहिए। जनरली वी आर यूजिंग डाई सोडियम सॉल्ट, मतलब ये चार में से दो जगह पर आपका जो होगा वो दो सोडियम सॉल्ट लगे होंगे और बाकी दोनों पे एच लगा होगा, ठीक है। तो आपका दो जगह पर सोडियम सॉल्ट होगा, दो जगह पर एच होगा, तो इट इज कॉल्ड इथिलीन डाई एमाइन डाई सोडियम टेट्रा एसिटिक एसिड, एसिटेट या जो भी बोल सकते हैं, या डाई सोडियम एसिटेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये डाई सोडियम सॉल्ट होता है, EDTA का डाई सोडियम सॉल्ट होता है ये। वाह ऐसा, चलो कोई बता सकता है मुझे, मैंने क्यों एसिटिक एसिड यूज नहीं किया, मैंने डाई सोडियम सॉल्ट क्यों यूज किया? एनी आइडिया? सर वो कैल्शियम और मैग्नीशियम बायवेलेंट है ना, इसलिए। मतलब जल्दी हो जाएगा ना आयनाइजेशन। एक मिनट, दो आंसर आए मेरे पास, एक तो ये कैल्शियम मैग्नीशियम, चलो अच्छी बात है, सच्ची है, सही है, ठीक है। फिर दूसरा है आयोनाइज जल्दी हो जाएगा, यस। और कोई मेन जो ठोस सबूत है या जो मेन पॉइंट है वो कोई नहीं बता रहा है मेरे को? सर वो लिगंड नहीं रहेगा, एच प्लस ज्वाइन हो जाएगा तो लिगंड ही नहीं रहेगा EDTA। यस लिगैंड नहीं रहेगा। चलो अभी भी मुझे कुछ एक चीज कम पड़ रही है, कुछ जो मेन चीज है वो नहीं आ रही है मेरे पास। सही है आपका, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन सॉरी NINA, मेरा एक गलती है यहाँ पर, आई हैव जस्ट रिटन रॉन्गली हियर। NA+1 में आएगा, सॉरी, हाँ NA2+ नहीं आएगा, +1। ओके यस, चलो मैं बताता हूँ। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये जो सो इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड जो है कंपाउंड, वो पानी में सोल्यूबल नहीं होता है, तो इसको सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है, एंड देन ओनली इट विल बी सोल्यूबल इन वाटर, राइट। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भाई क्यों सोडियम सॉल्ट ही यूज कर रहे हैं, व्हाई वी आर नॉट यूजिंग EDTA सॉल्ट, EDTA डायरेक्टली,
तो इसका मेन रीजन जो है वो ये है, बिकॉज EDTA सॉल्ट, EDTA कंपाउंड इज नॉट वाटर सोल्यूबल कंपाउंड मच मोर, राइट, एंड दैट्स व्हाई फुल्ली डिसॉल्व करना है उसको, उसको सोडियम में कन्वर्ट कर दो. एंड वी हैव लर्न इन 11th स्टैंडर्ड इन एस ब्लॉक एलिमेंट कि सोडियम का कोई भी सॉल्ट होता है वो हमेशा, मतलब फर्स्ट ग्रुप के सॉल्ट सारे वाटर सोल्यूबल होते हैं. तो टाइट्रेशन करना है तो मुझे कहीं ना कहीं इसको डिसॉल्व करना पड़ेगा ना, टाइट्रेंट बनाना पड़ेगा कि नहीं. दैट इज द रीजन कि सोडियम सॉल्ट में इसको कन्वर्ट किया जाता है. ठीक है, दैट इज द रीजन कि सोडियम सॉल्ट में आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है. चलो यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन? यस, यहाँ पर Na प्लस है वो चार लेना पड़ेगी ना? चार नहीं लेने पड़ेंगे, दो Na प्लस. मैंने क्या बोला, दो सोडियम सॉल्ट होते हैं ना, ये तो मैंने जस्ट एक स्ट्रक्चर दिखाया, एसीटेट का क्या स्ट्रक्चर होता है, राइट, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये तो मैंने जस्ट एक स्ट्रक्चर दिखाया है उसमें से. या चलो ठीक है, आप बता रहे हो तो बात सही है कि इसका मैं यहाँ पर एच लगा देता हूँ. ठीक है, यहाँ पर अगर मैं एच लगा देता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा. तो यहाँ दो जगह पर आपका सोडियम सॉल्ट आ जाएगा, इट्स ओके, फाइन, ठीक है, कोई, यू आर एक्चुअली टेक्निकली यू आर करेक्ट, बट मैंने इतना ये सीरियसली नहीं लिया था. मैंने पहले इसका स्ट्रक्चर दिखाया, उसके बाद दो सोडियम के सॉल्ट दिखा दिए, बट या टेक्निकली यू आर करेक्ट, फाइन. सो यहाँ तक किसी को भी कोई क्वेश्चन है? ये तो कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री तो आप लोग पढ़ के भी आए हो तो इसलिए समझ में आएगा. यस, अब जो काम करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट काम है. यहाँ से अपना प्रैक्टिकल चालू होता है, यहाँ से अपना प्रैक्टिकल चालू होता है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा. ये भी रिएक्शंस है, तो रिएक्शन के पार्ट में आप ये रिएक्शन भी लिखोगे. ठीक है, अपने पास रिएक्शंस कितने आए, ये देखो, ये एक रिएक्शन आया, ये दो रिएक्शन छोटे छोटे, उसके बाद ये रिएक्शन आया, और उसके बाद ये रिएक्शन आया. काम कैसे करता है, यहाँ पर आपका जो इरियोक्रोम ब्लैक टी जो है, राइट, इरियोक्रोम ब्लैक टी, यस, अभी तो हम कुछ ना लिखे ना, आपका है तो नहीं, मैं बताऊंगा जब लिखना है तो. ठीक है, अभी मत लिखो. सो पहले आपका मेटल जो है, देखो हम पानी का हार्डनेस ढूंढ रहे हैं, पानी में क्या है, कैल्शियम या मैग्नीशियम है, उसमें हम क्या करेंगे, पहले इंडिकेटर डालेंगे दो तीन ड्रॉप इरियोक्रोम ब्लैक टी. अब ये इंडिकेटर जो है वो खुद लिगेंड भी है, लिगेंड भी है, ये इंडिकेटर आपका एक लिगेंड भी है, तो वो क्या करेगा, पानी में जो कैल्शियम मैग्नीशियम प्रेजेंट है वो उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स, दैट इज कॉल्ड कैल्शियम EBP कॉम्प्लेक्स. इतना बड़ा रिएक्शन नहीं, टेंशन वाला रिएक्शन नहीं, राइट. तो ये जो है आपका ब्लू डाई कलर जो कि EBT का है, वो कैल्शियम के साथ लाइक कॉम्प्लेक्स बना के कैल्शियम EBT कॉम्प्लेक्स बनाता है, विच इज बेसिकली वाइन रेड कलर्ड कॉम्प्लेक्स. इसका प्रैक्टिकल भी हम देखेंगे, यू विल एंजॉय दिस, बहुत मजा आएगा. वाइन रेड कलर्ड कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है पिंकिश और पर्पल रेड कलर का कलर आता है शेड. ठीक है, तो पिंकिश रेड कलर का ये कॉम्प्लेक्स बनाता है. उसके साथ हम जब EDTA का टाइट्रेशन करते हैं, देन व्हाट विल हैपन, इट इज अ रिप्लेसमेंट रिएक्शन, एज EDTA इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, सो इट विल रिप्लेस दिस EBT कॉम्प्लेक्स, मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स जिसको हम बोलते हैं CaEBT. EDTA will be replaced and calcium के साथ जो EBT जुड़ा हुआ है वो solution में free हो जाएगा. EBT complex, EBT का जो calcium complex है वो EDTA के साथ react करके calcium EDTA complex बना देगा, and EDT which is a blue colored dye वो it will get free. Remember here, कैल्शियम EDTA कॉम्प्लेक्स इज अ कलरलेस कॉम्प्लेक्स. तो सिंपल सी बात है, जो चीज फ्री हो रही है EBT वो अपना कलर देगा, जो कंप्लीटली फ्री हो जाएगी तब वो अपना फुल कलर दे देगा.
दैट विल बी अवर एंड पॉइंट, दैट विल बी अवर एंड पॉइंट. इसमें भी आपको पायलट रीडिंग लेना है, रिमेम्बर, राइट. सो मेटल प्लस इंडिकेटर गिव्स फाइन रेड कलर, कैल्शियम ईबीटी कॉम्प्लेक्स, मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स, एंड देन मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स विल रिएक्ट विद EDTA, it will give you metal EDTA complex by removing indicator EBT as a blue colored dye. ये आपका basic reaction है, ठीक है. अब apparatus जो आता है, ठीक है, apparatus जो आता है, आपने last time procedure लिखी थी? No sir. क्या क्या होगा? पिपेटिंग पंप, आपको पता है कि पिपेट को मुंह से नहीं लगाना है, ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क एंड बीकर. अच्छा, केमिकल्स में क्या यूज करेंगे? EDTA डेफिनेटली, इट इज अ टाइट्रन. ब्यूरेट में भरेंगे हम एमोनिया बफर, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई विल डिस्कस इट अगेन लेटर ऑन. टैप वाटर, बॉइल्ड वाटर, बॉइल्ड वाटर और ईबीटी इंडिकेटर, राइट, बॉइल्ड वाटर, ईबीटी इंडिकेटर, इतनी चीजें आपकी रिक्वायरमेंट में है, ठीक है. अच्छा, हमको इसमें दो टाइट्रेशन करने हैं. कौन कौन से टाइट्रेशन करने हैं? एक टाइट्रेशन हमारा टैप वाटर में करेंगे, और वही टैप वाटर को बॉइल करके हम वापस उसका टाइट्रेशन करेंगे. तो एक ही सैंपल का दो बार टाइट्रेशन करने का क्या फायदा है, ये बता सकता है कोई? क्या मीनिंग है वो बॉइलिंग कर सर? एक टेम्पररी हार्ट अटैक परमानेंट? नहीं, ऐसा नहीं सर. एक में टोटल मिलेगा और एक में टेम्पररी मिलेगा, परमानेंट मिल जाएगा. हाँ, करेक्ट. फर्स्ट जो हम करेंगे टैप वाटर, उसमें हम क्या करेंगे, टोटल हार्डनेस निकालेंगे, बराबर, उसको हम बॉइल करके फिल्टर कर लेंगे, तो क्या होगा, टेम्पररी रिमूव हो जाएगी, तो बचेगी क्या, परमानेंट. तो अभी टेम्पररी कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, टोटल मिल गई, सेम वाटर की परमानेंट मिल गई, माइनस कर दो, टोटल माइनस परमानेंट, दैट इज योर टेम्पररी हार्डनेस. वेरी सिंपल, वेरी सिंपल प्रैक्टिकल. लेकिन दो प्रैक्टिकल हैं, दो बार आपको ये करना पड़ेगा, क्या, पायलट रीडिंग देने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों के रीडिंग्स अलग अलग आएंगे, और दोनों के तीन तीन रीडिंग्स लेने पड़ेंगे. तो आपको प्रैक्टिकल थोड़ा सा लेंथ में बड़ा होता है, बस, और कुछ नहीं. करना क्या है, इसकी प्रोसीजर देखते हैं कि टोटल हार्डनेस एस टाइट्रेशन वन वी विल टेक. यस सर, कुछ भी रिपीट, मेरा नेट कनेक्शन लैग हो रहा है, तो मतलब दो बार टाइट्रेशन कीजिए. वही तो, पहले टाइट्रेशन में आपको टैप वाटर मिलेगा, टैप वाटर में टोटल हार्डनेस होगी, दूसरी बार हम टाइट्रेशन करेंगे इसी वाटर को बॉइल करके, तो बॉइल्ड वाटर में से फिल्टर किया हुआ है, तो उसमें से टेम्पररी रिमूव हो जाएगी, तो उसमें सिर्फ परमानेंट रहेगी. तो टोटल मिल गई, परमानेंट मिल गई, माइनस कर दो, तो आपका काम बन गया, टेम्पररी भी मिल गई, तो तीनों हार्डनेस आपकी निकल जाएगी, राइट. अच्छा, प्रोसेस क्या करना है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है. 10 ml यू हैव टू टेक. यस सारे जगह लेक्चर चालू है ना अभी सब जगह. तो मैं यही ट्राई करता हूँ कि जितना आपको So first we will take is 10 ml water लेंगे हम sample. कौन सा? Tap water sample. Tap water sample लेंगे हम लोग, right? अब उसमें हम 2 ml ammonia buffer डालेंगे. Ammonia buffer क्यों डालेंगे उसका हम discussion करते हैं बाद में, ठीक है? और एक या दो drop हम as a indicator iriochrome black tea भी डालेंगे. So you will get the color of solution wine red, right? And now you will titrate this solution with EDTA, which is being filled in burette 0.01 molar, right? So titration
हम पहले इसका सबसे पहले उसका कलर चेंज पता होना चाहिए। वाइन रेड से स्टिल ब्लू, मतलब कि ब्लू कलर का कलर चेंज आएगा, वो मैं आपको दिखाता हूं अभी इसके बाद की स्लाइड्स में, ठीक है। स्टिल ब्लू कलर आएगा वाइन रेड में से, स्टिल ब्लू कलर इज योर एंड पॉइंट एंड देयर यू हैव टू मेजर द वॉल्यूम वी वन फॉर टैप वॉटर। टैप वॉटर का वॉल्यूम आपको मेजर करना है, क्योंकि वो हम वी वन वॉल्यूम वी विल टेक एज अ वॉल्यूम फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टोटल हार्डनेस। सिमिलरली आपको सेम प्रोसेस से एस्टिमेशन टू करना है फॉर द परमानेंट हार्डनेस, राइट? सेम प्रोसेस, राइट? तो प्रोसेस आप दो बार नहीं लिखोगे तो चलेगा, प्रोसेस आप एक ही बार लिखोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? चिंता नहीं करनी, प्रोसेस आप एक ही बार लिखोगे तो चलेगा। समझ में आ रहा है? प्रोसेस अब अगर आप एक ही बार लिखोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे एक बार लिख दो, सिमिलर प्रोसेस कैन बी यूज फॉर द बॉइल्ड वाटर कैलकुलेशन, इतना लिख दोगे तो चलेगा, ठीक है। अब इसमें देखो आपका ऑब्जर्वेशन आया, ब्यूरेट में कॉनिकल फ्लास्क में इंडिकेटर क्या बनना है, वो सारा चीज हम जो लिखना है आपको। यस, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन हम पायलट रीडिंग पहले लिखेंगे, फिर तीन बार रीडिंग लिखेंगे। वी नो दिस कॉन्स्टेंट रीडिंग कॉन्सेप्ट, नाउ वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट, राइट? मैं आपको टाइम दूंगा 5-10 मिनट का, फिर हम लिखेंगे, चिंता मत करो। 10 मिनट में आराम से सारी चीजें लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, बराबर? हाँ, अब देखो, दिस इज द कलर चेंज, ग्रेजुअली कलर चेंज होता जाएगा। ये वाइन रेड कलर है फर्स्ट वाला, जैसे जैसे हम EDTA ऐड करते जाएंगे वैसे वो पर्पल एंड पर्पल ब्लू एंड देन फाइनली दिस इज कॉल्ड अ स्टिल ब्लू कलर। सो दिस कलर चेंज इज कॉल्ड वाइन रेड टू स्टिल ब्लू कलर, ठीक है। दिस इज योर एंड पॉइंट, स्टिल ब्लू कलर आपका एंड पॉइंट होगा और ये धीरे धीरे कलर ऐसे ग्रेजुअली चेंज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो कैल्शियम EDTA कॉम्प्लेक्स बना वो तो कलरलेस है और इडियोक्रोम ब्लैक टी फ्री हो रहा है जिसका ब्लू कलर है, तो ये कलर आपका ब्लू कलर आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि कैल्शियम EDTA कॉम्प्लेक्स पूरा टूट गया और कैल्शियम EDTA कॉम्प्लेक्स पूरा बन गया। दैट इज द रीजन कि आपका कलर पूरा वाइन रेड, बिकॉज कैल्शियम EDTA कॉम्प्लेक्स इज योर वाइन रेड कलर्ड कॉम्प्लेक्स एंड कैल्शियम EDTA कॉम्प्लेक्स इज योर कलरलेस कॉम्प्लेक्स। तो कलरलेस है लेकिन इसमें वो फ्री EBT मिल रहा है ना, इसकी वजह से ब्लू कलर आ रहा है। और जब पूरा पूरा ब्लू कलर आ जाता है इसका मतलब पूरा पूरा कैल्शियम और EBT टूट के कैल्शियम EDTA कन्वर्ट हो गया। अगर पूरा नहीं हुआ होगा तो ये दोनों कलर आपके ऐसे बीच में दिखेंगे, ध्यान रखना ये चीज का, राइट? तो ऐसा आएगा आपका कलर। दिस इज द प्रोसीजर। कैलकुलेशन पार्ट कैसे किया जाता है, बहुत सिंपल सा है। हमको पता है कि वन ये ऐसा ही स्टैंडर्ड इक्वेशन है, राइट? कैल्शियम EDTA का कॉम्प्लेक्स बना के हम कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। देखो जैसे आपका वॉल्यूम हमने 10 ml लिया है सैंपल में, ठीक है। अब 1 ml EDTA सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 mg ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये आया कैसे, तो ये चीजें तो आपको 11th की स्टोइकियोमेट्री आनी चाहिए तो पता चलेगा, फिर भी मैं आपको लिखा देता हूँ। सी जनरली इट इज लाइक दिस के 1000 ml स्टैंडर्ड EDTA मतलब 0.01 ml, राइट? 1000 ml 1 molar EDTA is equivalent to, हमको पता है उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, 100 g कैल्शियम कार्बोनेट। जो भी लाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट में ही लाएंगे क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट इज द इक्विवेलेंट, फाइन। सो बस मैं इसको स्केल अप कर दे रहा हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसको मैं
100 ml में ले जा रहा हूँ 1 मोलर EDTA, तो यहाँ पर एक आपने यहाँ कम किया तो यहाँ पर आपका कम हो जाएगा, वो हो जाएगा 10 ग्राम। फिर मैं इसको कम और कर रहा हूँ 10 ml 1 मोलर EDTA इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। सर 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 ये जो EDTA है उसमें हम डाई सोडियम सोल्ट वाला यूज कर रहे हैं, इसलिए ये 1 मोल EDTA इज इक्वल टू 1 मोल CaCl3 होगा ना। आप डाई सोडियम यूज करो, जनरली डाई सोडियम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि कैल्शियम इज पॉजिटिव टू या डाई वैलेंट आयन, राइट? दैट इज द रीजन, करेक्ट? ओके ओके, नाउ इसको मैं चेंज कर रहा हूँ 1 ml। ये भी जैसे हमने ppm का कंसेप्ट पढ़ा था वैसा ही है। EDTA is equivalent to, अभी इसका क्या हो जाएगा 0.1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, राइट? सब अब मुझे यहाँ पर 0.01 लाना है। अभी ये तो हो गया 1 ml, अब मैं इसको करता हूँ 0.1 मोलर EDTA, सो इट इक्वल्स टू 0.01 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। जे जे चीज जो जो चीज आप चेंज करते हो उसको चेंज करते जाओ। 1 ml 0.01, दिस इज माई स्टैंडर्ड EDTA, तो क्या हो जाएगा 0.001 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, और ये कुछ भी नहीं है, इट इज 1 मिलीग्राम। दैट इज द रीजन यहाँ पर ये लिखा हुआ है 1 ml EDTA इज 1 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। तो V1 ml में कितना होगा? बस इतना ही करना है। V1 ml क्या क्या? यस सर, नेक्स्ट स्लाइड करो, मतलब आगे आगे की। अभी आपने जो वीडियो की, मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ, पहले इसको समझा तो दूँ। हाँ सर, वही वही उसमें वो ये बात ना, हाँ 1000 ml EDTA 1 मोलर इक्वल्स टू 100 ग्राम CaCO3 कैसे हुआ? क्यों 100 ग्राम आपका 1 मोलर नहीं होगा? 100 ग्राम इज अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बेटा, और ये 1 मोलर में क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट ही तो होता है ना जनरली, राइट? तो मतलब वो अपने इक्विवेलेंस वाला कांसेप्ट है इसके। यस, इक्विवेलेंस वाला कांसेप्ट है ना। तो V1 ml हमारा क्या आया? V1 ml इज आवर कांस्टेंट रीडिंग ऑफ टैप वाटर, तो टैप वाटर का हमारा कांस्टेंट रीडिंग से इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 ml इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम, तो V1 ml इज इक्वल टू V1 मिलीग्राम। अगर मेरा रीडिंग 5 आता है तो 5 मिलीग्राम हो गया। सर यस सर, EDTA का वैलेंसी फैक्टर 1 होगा, EDTA माइनस 2 क्योंकि दो सोडियम आयन है ना। हमने 1 मोलर 0.01 मोलर किया ना बेटा, वो तो हमने एक सॉल्यूशन का ये लिया है, कंसंट्रेशन हमने ये लिया है। तो अब मैं इसके साथ इसको तो कंपेयर नहीं कर सकता ना मैं, जितने ये तो एक स्टैंडर्ड आपका इक्वेशन है। यस सर, ये मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो जिसको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन है मेरा, बराबर? अब मैं इतना मोलर नहीं ले रहा हूँ, मैं इतना मोलर ले रहा हूँ और मैं 1 ml के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, तो मुझे उसके हिसाब से स्केल अप करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? डेफिनेटली करना पड़ेगा। सर सर, मतलब आपने अभी हमने जो डील किया है ये इक्वेशन के साथ, उसमें तो हमने मोलारिटी को कंसीडर करके जो डील किया है, और अगर हम अभी जो मतलब जो हम तो नॉर्मलिटी में डील कर रहे हैं ना, तो मैंने तो बैलेंस फैक्टर नहीं आएगा। मैंने आपको क्या बताया था याद है? Whenever your calcium carbonate is divalent compound, और आपका जो भी compound है वो divalent है, तो equivalent और weight और molecular weight से आप calcium carbonate calculate करोगे तो same ही आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। याद आया? हमने numerical भी किया था, याद आ रहा है? Numerical करवाया था मैंने इस चीज का ही, कि अगर आपके salt जो है वो divalent है तो आप कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट लो, तो उसका भी इक्विवेलेंट वेट लो, तो वो भी 2 से डिवाइड होगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा। हां सर, वो N1 V1 में वो x फैक्टर तो CaCO3 का भी 2 ही होगा, और इसका भी डाई सोडियम है तो वो कैंसिल हो जाएगा, निकल जाएगा ना, वो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा ना बच्चा। गॉट पॉइंट? गॉट द पॉइंट? एकदम क्लियर? गॉट इट? यस ओके, ठीक है। सो बेसिकली इसका हम V1 ml जो आया वो 1 V1 मिलीग्राम आएगा, जो भी आपका रीडिंग आए ना उतना मिलीग्राम आंसर आएगा आपका, ठीक है? लेकिन ये सैंपल तो हमने 10 ml में लिया है, दिस वी हैव परफॉर्म्ड इन 10 ml, अब तो हमको तो मिलीग्राम पर लीटर निकालना है ना, तो वो हमारा ppm हो जाएगा,
तो 10 ml में इतना, तो 1000 में कितना, सिंपल सी बात. सो यू विल गेट द मिलीग्राम पर 1000 ml, दैट इज मिलीग्राम पर लीटर, एंड दैट इज नथिंग बट पीपीएम. सीधा आपका हार्डनेस मिल गया वाटर का, ये आपका टोटल हार्डनेस आएगा. सिमिलरली यू हैव टू परफॉर्म द सेम प्रैक्टिकल फॉर द बॉइल्ड वाटर. बॉइल्ड वाटर के लिए आपको ये सेम करना है, ठीक है, सेम चीज आपको करनी है. तो क्या होगा, सिमिलरली वी विल गेट द V2 ml. सिमिलरली वी विल हैव द सेम योर टेबल, एंड सिमिलरली यू हैव टू गो फॉर कैलकुलेशन. वहां पर V1 की जगह V2, यहां भी 10 ml में आया तो 1000 में कितना परमानेंट हार्डनेस दे देगा वो. अब मेरे पास ये रिएजेंट्स हैं सारे, ये मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, और फाइनली मैं रीडिंग कैसे लिखूंगा या रिजल्ट्स कैसे लिखूंगा. तो टोटल हार्डनेस मुझे सैंपल वन में से मिल जाएगी टैप वाटर में से, परमानेंट हार्डनेस मुझे सेकेंड सैंपल जो कि बॉइल्ड सैंपल है, बॉइल्ड वाटर सैंपल है. टेम्पररी हार्डनेस में क्या होगा, एक में से माइनस करो दो, टोटल में से परमानेंट माइनस कर दो, देन यू विल गेट व्हाट, टेम्पररी हार्डनेस. बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, ठीक है, ओके, आर यू क्लियर, वेरी क्लियर, यस, ठीक है. चलो क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं. क्वेश्चन आंसर्स क्या है, डिफाइन, यस सर, आप वो समझाने वाले थे ना, 2 ml अमोनियम का बफर की ना, अमोनिया का बफर. हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, वो मिस हो गया. ओके, बफर सॉल्यूशन क्यों डाला, पहली बात तो बफर सॉल्यूशन है क्या, कोई बताएगा मुझे. मतलब उसके पीएच में कोई फेयर नहीं होता अगर हम ऐसे yes. डालते या बेस yes. yes. कोई एकाद बफर का एग्जांपल कोई बता सकता है मुझे, कोई एकाद एग्जांपल बता सकता है बफर का. बफर सॉल्यूशन सॉलिड एसिड प्लस उसका कॉन्जुगेट सॉल्ट बेस ले लो. यस करेक्ट. तो इसमें हम एमोनिया बफर यूज करने वाले हैं, वी आर गोइंग फॉर एमोनिया बफर, ठीक है, एमोनिया बफर हम यूज करने वाले हैं. और वो एमोनिया बफर हम लोग एमोनिया बफर को भी समझ लेते हैं पहले सही से अच्छे से. व्हाट इज एमोनिया बफर, एमोनिया बफर जो है आपका वो है एमोनियम क्लोराइड प्लस एमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर. यस सर, एमोनिया बफर है क्या आपका, इट इज द मिक्सचर ऑफ NH4Cl प्लस एमोनियम हाइड्रोक्साइड. सी इट इज अ वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड सॉल्ट, राइट. अच्छा, एमोनिया बफर का पीएच इसमें होता है 10, 10 पीएच का बफर यूज करते हैं. तो पहली बात तो बफर इसलिए यूज करते हैं कि रिएक्शन के दौरान अगर आपका कोई पीएच थोड़ा सा चेंज भी होता है तो प्रॉब्लम नहीं आए. दूसरी बात, बफर रेजिस्ट करेगा या रेजिस्ट कर देगा तो अपना प्रॉब्लम नहीं आएगा. तो क्वेश्चन आता है कि बफर यूज क्यों कर रहे हैं, जाने दो ना, नहीं करना. द क्वेश्चन आंसर इज कि आपका जो रिएक्शन है ये वाला, मतलब कि इसमें जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं कैल्शियम EBTA, कैल्शियम EDTA, ये कॉम्प्लेक्सेस these takes place only at 10 pH buffer. ये सिर्फ और सिर्फ 10 pH buffer पे ही बनते हैं. तो अगर 5 हुआ 7 हुआ तो क्या होगा, ये कलर चेंज आएगा ही नहीं. मतलब अगर आपने बफर नहीं डाला और कैल्शियम मतलब वाटर के सैंपल में EBTA डाल दिया तो क्या होगा, बोला वाइन रेड कलर आएगा, सॉरी आपका वाइन रेड कलर नहीं आएगा. क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनेगा, 10 पीएच मेंटेन नहीं है. बिकॉज कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्मड एट अ पर्टिकुलर पीएच ओनली. तो 10 पीएच पे ये कॉम्प्लेक्स बनता है, तो इसलिए हमको 10 पीएच का बफर डालना पड़ता है. सो दैट थ्रू आउट द टाइट्रेशन माई बफ पीएच वैल्यू ऑफ द सोल्यूशन शुड बी रिमेन कॉन्स्टेंट, एंड दैट इज 10 पीएच. इसकी वजह से हम लोग बफर का सोल्यूशन डालते हैं.
समझ में आ गया कि क्योंकि कॉम्प्लेक्सेस हमेशा पीएच सेंसिटिव होते हैं, जैसे ये कैल्शियम ईबीटी कॉम्प्लेक्स 10 पीएच पे बनता है, ऐसे अगर कॉपर सल्फेट के साथ दूसरा कोई कॉम्प्लेक्स बनाओगे हो सकता है वो एसिडिक मीडियम में भी बन सकता है। तो कॉम्प्लेक्सेस जो है वो एक पर्टिकुलर पीएच पे बनते हैं, और वो पीएच मेंटेन नहीं करोगे तो कॉम्प्लेक्स बनेगा ही नहीं। एंड दिस इज द रीजन व्हाई कॉम्प्लेक्सेस व्हेनेवर यू आर फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्सेस यू हैव टू मेंटेन द पीएच एट दैट पर्टिकुलर दैट पीएच पर्टिकुलरली विथ बफर आपको थ्रू आउट द सोल्यूशन रखना पड़ेगा या तो कॉन्स्टेंट रखना पड़ेगा। सो द फंक्शन ऑफ बफर सोल्यूशन इज टू मेंटेन द पीएच कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द टाइट्रेशन, ये इसका फंक्शन है, राइट? 10 पीएच इसलिए क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स जो बनता है कैल्शियम ईबीटी और कैल्शियम ईडीटीए, दीज कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड एट ओनली 10 पीएच, दैट्स व्हाई, राइट? चलिए बफर का रोल क्लियर हो गया कि नहीं, एकदम सबको क्लियर हो गया? यस यस सर, वो क्लियर हो गया। लेकिन सर उसका जो एमएनए बफर है उसका वॉल्यूम 2 ml ही लेना है, वो ऐसा कंपलसरी? 2 ml का 3 ml भी लिया तो चलेगा, बफर सॉल्यूशन तो एकदम थोड़ा सा ही चाहिए, वो पूरा मेंटेन करेगा ना, इक्विलिब्रियम मेंटेन कर देगा आपके सॉल्यूशन में। अगर आपने 2 का 4 भी डाल दिया तो इट्स ओके, बट जो जब 2 ml की या उससे कम की जरूरत है तो क्यों ज्यादा डालने का, इट इज अगेन अ वेस्टेज ऑफ अवर केमिकल्स, जरूरी नहीं है, ठीक है? ओके, नाउ डिफाइन द टाइप्स ऑफ हार्डनेस, आएगा कि नहीं आएगा टेम्पररी परमानेंट हार्डनेस का डेफिनेशन, एकदम क्लियर, राइट? गिव द प्रिंसिपल बिहाइंड द ईडीटीए टाइट्रेशन। प्रिंसिपल जो है वो ये वाला है, आपका जो प्रिंसिपल है वो ये है, बेसिकली ये प्रिंसिपल है, मेटल आयन इंडिकेटर के साथ वो कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसके बाद वो अलग होके ईडीटीए का कॉम्प्लेक्स बनाता है, दिस इज द प्रिंसिपल। तो इसमें आपको यही रिएक्शन एज ए आंसर लिखना है, याद रखिएगा, नो डाउट रिकॉर्ड बुक में रिएक्शन तो लिखेंगे ही, लेकिन ये एक आंसर भी है, याद रखना, राइट? व्हाट इज बफर सॉल्यूशन? वी नो दैट बफर सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन व्हिच विल रेजिस्ट द चेंज इन पीएच ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन वी एड लिटिल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस, राइट? व्हाट इज द रोल ऑफ एमोनिया बफर सॉल्यूशन? द रोल ऑफ एमोनिया बफर सॉल्यूशन in this titration is to maintain pH 10 throughout the titration, right? Achha, why hardness is expressed in calcium carbonate equivalent? ये तो आना चाहिए आपको, इसके 3 points है मैंने थियरी में पढ़ा है, कोई बता सकता है तीनों 3 points? Anyone? Most yes. common है, most common है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है, और लीस्ट सॉल्युबल केएसपी उसकी सबसे कम है, तो जल्दी से हम उसको प्रेसिपिटेट कर सकते हैं और फिल्टर करके निकाल सकते हैं, दैट्स करेक्ट, राइट? अच्छा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ईडीटीए एंड ईबीटी। तो ईडीटी का स्ट्रक्चर तो मैंने बता दिया आपको, ईबीटी का स्ट्रक्चर आपका होमवर्क रहेगा, आप गूगल करके भी देख सकते हो ईबीटी, इरियोक्रोम ब्लैक टी का स्ट्रक्चर, ठीक है? लेकिन वो आपको लिखना है, ठीक है? और एक यहाँ पर छोटा सा न्यूमेरिकल दिया है, ये आना चाहिए यार, क्या है? 100 ml सैंपल वाटर सैंपल है, उसके लिए 24.8 ml 0.01 मोलर ईडीटीए यूज किया है, ठीक है, ईबीटी एज इंडिकेटर, एंड 14.2 बॉइल्ड वाटर के लिए किया है, मतलब आफ्टर रिमूविंग द कार्बोनेट। तो टोटल परमानेंट एंड टेम्पररी हार्डनेस निकालनी है, तो इसमें डिफरेंस क्या है पता है? हमने जो प्रैक्टिकल किया उसका रीडिंग 10 ml में लिया है सिर्फ, और इस इन्होंने जो प्रैक्टिकल करके रीडिंग लिया वो किस में लिया? 100 ml में, राइट? तो वहां पर हमने कैलकुलेशन क्या किया, 10 ml में इतना, तो 1000 में कितना, तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे बताएगा कोई मुझे? कैलकुलेशन कैसे करेगा? 100 ml में इतना, तो 1000 में कितना, वैसा सिंपल। तो वहां हमने 100 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 10 था, यहाँ हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 100 ml है, बस आंसर इज क्लियर। बोलो न्यूमेरिकल एकदम इजी है कि नहीं, बताओ?
ऐसे न्यूमेरिकल भी आएंगे एग्जाम में, याद रखना राइट। बट इट इज वेरी सिंपल, कुछ करना ही नहीं होता इसमें, इतना इजी न्यूमेरिकल है। आपको सिर्फ दिमाग ये लगाना है कि कौन से एमएल में कन्वर्जन दिया है, दैट्स ऑल। अच्छा, 100 की जगह आपको 50 ml भी दे सकते हैं, तो कुछ नहीं, 50 ml में इतना आया तो इसमें कितना, और ये आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि 1 ml इज इक्वल टू 1 mg, तो 100 ml इक्वल टू कितना, 50 ml इक्वल टू कितना। लेकिन 50 ml में अगर आप मुझे 1000 में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बताओ जरा मुझे। इससे कितने से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 50 को 1000 में कन्वर्ट करना है तो 20 से, सिंपल सी बात, इज इट और नॉट। तो चारों छह के छह क्वेश्चंस क्लियर हो गए आपके, ठीक है। अब मैं आपको आपको पीडीएफ शेयर करता हूं यहां से, तो आप पहले तो क्या करोगे, सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव लिख लिया सब लोगों ने, आई होप कि सब लोगों ने ऑब्जेक्टिव तो लिख लिया था, राइट? यस सर। चलिए ठीक है, ये दीज आर द यूनिट्स विच वी कैन यू नो गो फॉर फ्रेंच क्लर्क, ये सारा आना चाहिए। फिर ये केमिकल रिएक्शंस लिख लीजिए आप सर। चलिए, ग्रे स्क्रीन है सर, ग्रे स्क्रीन है सर। वन मिनट। हाँ चलिए, पहला स्क्रीन में पहला रिएक्शन लिख लीजिए। सी देयर इज नो प्रॉब्लम विद द सीक्वेंस कि आपने पहले केमिकल रिएक्शन लिखा या फिर आपने केमिकल्स लिखे, इट्स ओके फाइन। चलिए फटाफट ये लिख दीजिए, और हो जाता है तो डन लिखिए तो मुझे पता चले। पहला रिएक्शन ये लिखिए, थोड़ा सा स्पीड अप करना बेटा, क्योंकि अभी मुझे डेमो भी देना है, कैलकुलेशंस भी करवाना है, तो 1 बजे तक खत्म भी करना है। वंस यू आर डन प्लीज राइट डन, तो मुझे पता है। डायरेक्ट रिएक्शन ही लिख देना। यस यस यस, जस्ट हाइडल हेडिंग मारिए रिएक्शन, और सारे रिएक्शंस लिखने हैं। तो पहला रिएक्शन ये लिखना है आपको। चलिए, ऑल ऑफ यू प्लीज अभी साथ में ही लिखो, आपके पास टाइम है अभी ही, रिकॉर्ड बुक तो अभी कंप्लीट हो जानी चाहिए, फिर मैं जब आपको मैनुअल भेजता हूँ उसमें कॉपी मार दो सारी चीजें, बस खत्म। उसमें तो फिल इन द ब्लैंक ही करनी है, बस वो तो 5 मिनट में हो जाएगा। और अगर कुछ रह भी जाता है तो चिंता मत करो, मैं आपको ये प्रैक्टिकल के बाद ये मैनुअल का कॉपी भेज ही रहा हूँ, चिंता मत करो, ठीक है, उसमें से भी आप लिख सकते हैं। फाइन, सो इट इज डन, नाउ लेट्स गो फॉर द अनदर रिएक्शन। यस, बाइकार्बोनेट निकालने का रिएक्शन लिख दीजिए। चलिए फटाफट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट व्हेन इट इज बीइंग हीटेड, कैल्शियम कार्बोनेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। सिमिलरली मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट इट इज हीटेड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग प्रोड्यूस, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा, इवॉल्व हो जाएगा। ये लिखने के बाद भी मुझे बताइए जरा अपना सिग्नल। डन, ओके, नाउ यू हैव टू राइट द प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल भी है और इक्वेशन भी है। चलिए ये लिख दीजिए, डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस। Thank you.
जब आप इसके रिएक्शंस लिख लेते हैं तो मुझे बताइए, ये तीनों तीन जो मैंने बताया वो जाएगा रिएक्शन के सेक्शन में, मतलब ये पर्टिकुलर प्रैक्टिकल में ये आपके तीनों रिएक्शंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। should just little bit magnify, yeah, that's clear. ओके गुड, जिनका बाकी है वो टेंशन मत लो थोड़ा बहुत, क्योंकि इसका मैं मैनुअल भेज रहा हूँ, चिंता नहीं है पूरी, ठीक है। नाउ गो फॉर द ऑब्जर्वेशन और एपरेटर, थोड़ा सा ये लिख लेते हैं। अच्छा, और एपरेटर्स लिखिए, केमिकल्स लिखिए, ठीक है, एपरेटर्स और केमिकल्स लिखिए, इसमें प्रोसीजर लिखने की जरूरत नहीं है। I repeat, do not write the procedure. ठीक है, do not write the procedure. Apparatus और chemicals लिखिए, चलिए। Are you ready with this apparatus and chemicals? Ho gaya? Yes, yeah. Sir. Yes, sir. Yes. Wait, two fold. Okay. देख लीजिए, कोई बात नहीं। डन? यस सर। उसके बाद आपका ऑब्जर्वेशन पार्ट आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पूरा लिखना है आपको, लेकिन ये दो लिखना है, एक ही लिखना है, सिंपल। ये ऑब्जर्वेशन एक ही बार लिखेंगे, लेकिन टेबल हम दो बार बनाएंगे। क्यों दो बार बनाएंगे बताओ जरा, दो बार क्यों? एक में टैप वाटर है और बॉइल वाटर, तो दो इस चीज को लिखिए और टेबल आप दो बार बनाइए। एक के ऊपर टेबल पे लिखिए टैप वाटर और दूसरे पे लिखिए बॉइल्ड वाटर, ठीक है। चलिए उतना कंप्लीट करो फटाफट।
चलिए हो गया नौ सर। टेबल दो बार बनाना है और कैलकुलेशन दो बार करनी है, क्योंकि दोनों कैलकुलेशन में आपको अलग अलग रिजल्ट्स आएंगे। हो जाता है तो मुझे बताइए। Yes, sir, done. सबका हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। नहीं सर हुआ। वेट वेट सर। चलो थोड़ा स्पीड अप करो भाई, क्योंकि इसके बाद मैं वीडियो चलाऊंगा, अभी आपको पूरा डेमोन्स्ट्रेशन आएगा। डन। ओके, ये कैलकुलेशन आएगा, ये भी दो बार लिखना है आपको। एक बार आपका रेगुलर वाटर, टैप वाटर, और दूसरी बार फिर आपका ये है बॉइल वाटर। दोनों टेबल के नीचे आप लिख सकते हो, पहला टेबल उसके नीचे कैलकुलेशन, दूसरा टेबल नीचे कैलकुलेशन, तो एकदम मस्त अच्छे से दिखेगा आप लोगों को। अभी ब्लैंक रखिए, अभी मैंने रीडिंग नहीं लिखवाए हैं, ठीक है? तो जहां पर ब्लैंक है वहां पर ब्लैंक ही रखिए। सर यस, टेप वाटर और बॉइलिंग ऑयल वाटर का जो टेबल है ना, दोनों नीचे नीचे ड्रॉ कर दिए तो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, इट्स ओके ओके फाइन फाइन। फिर कैलकुलेशन में भी आपको टाइटल मारना है, कैलकुलेशन फॉर टैप वाटर, कैलकुलेशन फॉर बॉइल्ड वाटर, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। हो गया तो जैसे डन होता है तो मुझे बताइए प्लीज। सर वी हैव टू गो फॉर 10 ml और 100 ml। अभी तो 10 ml में ही करेंगे ना, प्रैक्टिकल तो 10 ml में करते हैं, बाकी तो कैलकुलेशन करते हैं ना। 10 ml में इतना तो 1000 में कितना? हां सर वो क्वेश्चन आंसर में।
v1 की जगह यहाँ v2 कर देना है, बस ये v1 है इसकी जगह v2 कर देना है, बाकी सारी चीजें सेम है। v2 v2 मतलब दूसरा रीडिंग आएगा ना आपका, और लास्ट में परमानेंट करना है ना। टोटल हार्डनेस है दूसरा जो है दूसरे आपका, वो परमानेंट हार्डनेस आएगा और उसमें से माइनस करोगे तो टेम्पररी मिल जाएगा। चलिए डन और नॉट। नो सर, जस्ट वन। ठीक है, दो टेबल्स हो गए, दो कैलकुलेशंस हो गए, और लास्ट में हम लोग ये रिजल्ट लिखेंगे, दैट वी विल डू इट इन लास्ट। आई होप के सब लोगों ने लिख लिया है अभी। मैं अभी वीडियो शेयरिंग कर रहा हूं, आई एम स्टॉपिंग दिस प्रेजेंटेशन। अगेन हम लोग इसकी स्टॉपिंग दिस शेयरिंग, अब मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ सर। रिजल्ट पे लिख देना, रिजल्ट बाद में लिखेंगे लास्ट में, ठीक है। अभी मैं शेयर कर रहा हूँ वीडियो आप लोगों के साथ। यस, नाउ मैंने जितना चीज बताया वो पूरा वीडियो में आपको यहाँ पर दिखेगा। सी ऑब्जेक्टिव, अब सब कुछ समझ में आ गया है तो जस्ट आपको बैठ के वीडियो देखना है अच्छे से, मैं थोड़ा थोड़ा समझाता जा रहा हूँ। सो इट इज योर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव करके उसके बाद आपका आएगा केमिकल्स एंड दिस इज योर ब्यूरेट, क्या भरना है पिपेट में, क्या भरना है, वो सारी चीजें आ गई। व्हाट इज द कलर चेंज यू विल ऑब्जर्व, रेड वाइन टू स्टिल ब्लू। नाउ दीज आर द केमिकल्स, can see tap water, boiled water, 0.01 mole normal or molar, sorry, EDTA, EBT, ammonia buffer solution and distilled water. ये सारी चीजें आपके chemicals में आ गई, ठीक है। Again, this is the burette funnel, your conical flask, pipette, and this is your called measuring cylinder, जिसमें हम 2 ml का बफरिंग सॉल्यूशन भरेंगे, बफर सॉल्यूशन भरेंगे, ठीक है। दिस इज अ प्रोसीजर व्हाट वी हैव टू फॉलो फॉर बोथ द टाइट्रेशंस। 10 ml यू हैव टू टेक द सैंपल, टेक इट इन अ कॉनिकल फ्लास्क, देन ऐड 2 ml ऑफ बफर सॉल्यूशन, अमोनिया बफर व्हिच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड,
and add 2 drops of Eriochrome black tea. And then you titrate with your EDTA. That's all. The endpoint will be your wine red to still blue. And we can calculate the permanent hardness as well as temporary hardness, permanent as well as total hardness with this procedure. For both procedures are same, there is no change. The permanent hardness calculation. Yes, you have to fill EDTA in the burette properly. You can see we have maintained the zero level in a burette. Burette mein aapko zero level set karke acche se karna hai. Now we are going for, you know, tap water. You can see the tap water. जिसको हम पिपेटिंग पंप से ले रहे हैं 10 ml, वी आर टेकिंग 10 ml इन अ कॉनिकल फ्लास्क, राइट। नाउ वी विल ऐड अराउंड 2 ml, दिस इज द मेजरिंग सिलेंडर, इसमें हम 2 ml एमोनिया बफर डालेंगे विच विल मेंटेन द पीएच 10 throughout the titration में pH maintain करना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये गलती कर दी कि add नहीं किया तो आपका color change आएगा ही नहीं, right? 2 ml लेना है, so now you have to add this 2 ml of buffer solution in our solution, water sample. We will immediately close the cork because इसमें ammonia होता है, वो उड़ जाएगा, तो इसको सही से रखना है। You have to take the precaution, do not take it near to the nose. Now I will add EBT, this is your Eriochrome black tea indicator. इसको हम डालेंगे 2-3 drop, ज्यादा नहीं डालना है। इट विल गिव यू अ वाइन रेड कलर, देखिए इसको हम बोलते हैं वाइन रेड कलर, दिस इज कॉल्ड वाइन रेड कलर, पिंकिश पर्पल जैसा कलर आता है, ठीक है। नाउ वी विल टाइट्रेट द सॉल्यूशन विथ अवर स्टैंडर्ड EDTA सॉल्यूशन विच इज 0.01 मोलर। अभी कलर आया नहीं है, दिस इज पायलट रीडिंग वी आर टेकिंग, रिमेंबर हम पायलट रीडिंग ले रहे हैं। यस, नाउ इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ब्लू कलर, वेरी नाइस स्टील ब्लू कलर, सो वी विल टेक अवर पायलट रीडिंग फॉर द फर्स्ट सैंपल, दैट इज द टैप वाटर। टैप वाटर का सैंपल का पायलट रीडिंग कितना आ रहा है, देखिए आप 2 आ रहा है, 2 ml, इट मींस मेरा जो एक्यूरेट रीडिंग वो होगा वो कितना होगा, it will be at 1 and 2, yes, एक और दो के बीच में होना चाहिए, right? Again I am repeating the same practical to get the accurate reading. Zero maintain करना है, these are the common things which you have to remember every time, burette को zero करना है, वो सब ठीक है। Okay, so we are taking this. So 1 ml तक तो मैं डाल दूंगा, उसके बाद जो जो कलर लाएंगे हम लोग ब्लू कलर लाएंगे, 1 ml में कलर नहीं आया, अभी 1 से 2 में जाएंगे कलर आएगा, धीरे धीरे करके जाएंगे आराम से, और कलर चेंज हो रहा है देखिए आप अच्छे से, धीरे धीरे gradually we are changing the color, yes color aa gaya aapka blue color, bahut acche se aa gaya aapka
नाउ यू कैन सी द रीडिंग के रीडिंग में कितना आपका चेंज आया. यस देखिए आप रीडिंग आपका आ रहा है 1.1, 2 and 3 1.3 आ रहा है. इसका मतलब आपका रीडिंग है 1.3 एक्यूरेट रीडिंग विच इज मोर देन 1 बट लेस देन 2. सेम रीडिंग हम करेंगे बॉइल्ड वाटर के साथ. इसके लिए हम पायलट रीडिंग नहीं जा रहे हैं. वी आर जस्ट टेकिंग द फाइनल रीडिंग टू डेमोन्स्ट्रेट. लेकिन इतना याद रखिए कि आपका जो टैप वाटर का रीडिंग है उससे ये रीडिंग कैसा आना चाहिए, ज्यादा या कम आना चाहिए, बता सकता है कोई? बॉइल्ड वाटर का रीडिंग कम आएगा. क्यों? क्योंकि हमने टेम्पररी रिमूव कर दिया ना उसमें से, तो उतना कम आएगा. यस करेक्ट फाइन. सो नाउ वी आर गोइंग फॉर बॉइल्ड वाटर सिंगल रीडिंग राइट. डेमोन्स्ट्रेशन में हम सिंगल रीडिंग ही दिखा रहे हैं. पायलो रीडिंग भी सेम ही है तो इसका मतलब फिर से लेने की जरूरत नहीं है. बट या वेन एवर यू आर परफॉर्मिंग द प्रैक्टिकल इन द लेबोरेटरी यू हैव टू टेक दैट पायलो रीडिंग. नाउ आई एम एडिंग दिस. ओके सो माई रीडिंग या एरियोक्रोम ब्लैक टी विल एड. So it will give me wine red colored solution. Wine red colored solution will be titrated against the EDTA. And EDTA से titrate करने पर हमको कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा वो हम देखते हैं. Yes, it is to be maintained zero. Now we will start our practical. So again the same color change will be observed from wine red to steel blue. Yes, color has been changed. You can see it is not a purple or something, it is a pure. What is the result? It should be less than your tap water result. So what is the result? Result is 0.5 and 0.6. Result is 0.6 ml. Answer is 0.6 ml. तो सर आपके के रीडिंग भी 0.6 ही लिख देना. हाँ हाँ यस 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 0.6. पहले में क्या लिखेंगे हम लोग? फर्स्ट रीडिंग क्या होगा? 1.3 पायलट रीडिंग 2 और रीडिंग्स 1.3. 1.3 पायलट रीडिंग 2, 1.3 इज योर एक्यूरेट रीडिंग. तो ये बताओ मुझे इसका पायलट रीडिंग कितना आएगा बॉइल्ड वाटर का? 1 करेक्ट करेक्ट राइट. और 0.6 इज योर एक्यूरेट रीडिंग. फाइन सर लिख देना रिकॉर्ड. यस यस यस. एंड दिस इज योर वॉशिंग प्रोसीजर एज यूजुअल. पहले भी मैंने बोला था वॉट एवर यू आर यूजिंग यू हैव टू कीप इट प्रॉपरली वॉश करके. जितना केमिकल आपका यूज नहीं हो रहा है उसका केमिकल वापस करके EDTA इफ एक्सेस EDTA इज देयर यू हैव टू टेक इट आउट एंड पुट इट इन अ बीकर. आपका ये ब्यूरेट भी वॉश करना है प्रॉपरली अच्छे से डिस्टिल्ड वाटर से. जो भी चीजें आप यूज कर रहे हैं इट इज अ प्रैक्टिस. जो चीज आपकी कंप्लीट हो गई, प्रैक्टिकल हो गया कंप्लीट, देन यू हैव टू वॉश इट, कीप इट प्रॉपरली. जैसे आपको मिली थी वैसे अच्छे से वापस रखनी है. एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. ये सारे देखो EDTA हमने निकाल लिया, वापस रख दिया हमने, दूसरी बैच में काम आएगा बच्चों को. एक्सेसिव चीजें फेंकनी नहीं है. ये आपका यस बफर के लिए मेजरिंग सिलेंडर लिया था, उसको हमने वॉश किया और वॉश करके हम उसको यहाँ रख रहे हैं. ठीक है, फनल यूज किया था EDTA लेने के लिए, उसको भी वॉश करके हम वापस ऊपर लगा देंगे अच्छे से. और अब पानी से हम ये वॉश करेंगे, ब्यूरेट को भी अच्छे से वॉश कर लेंगे पानी से.
so that your burette should be ready for the next batch. ये वेस्ट वाटर निकाल रहे हैं हम लोग, इसको अच्छे से वॉश कर रहे हैं. सो नाउ मेरा सारा जो चीज है वो पूरा जैसे हमने लिया था वैसे ही पूरा कंप्लीटली आफ्टर द प्रैक्टिकल वी हैव केप्ट एवरीथिंग प्रॉपर एट अ प्रॉपर प्लेस विथ प्रॉपर यू नो कवर्स एंड ऑल. बॉटल्स खोली नहीं छोड़नी है आप लोगों को कोई भी. राइट, सो दिस इज द होल प्रैक्टिकल. यस, एक क्वेश्चन है, वो अगर हम पिपेट में वो क्या ईबीटी ले रहे थे ना, पिपेट से ईबीटी थोड़ी ले रहे हैं, टैप वाटर ओके. हाँ, उसमें कुछ मिनिस्कस का फंडा होता है, उसमें क्या होता है वो? जनरली जो सैंपल आपका कलरलेस होता है उसमें लोअर मिनिस्कस देखा जाता है जीरो पे. राइट, और जो कलर्ड होता है उसमें अपर मिनिस्कस देखा जाता है, क्योंकि लोअर मिनिस्कस आप देख नहीं पाओगे सही से. दैट इज द फंडामेंटल. ओके, वो बॉर्डर से नीचे की ओर तो नहीं दिखेगा. यस, सो सब लोगों को प्रैक्टिकल समझ में आ गया पूरा एकदम अच्छे से कि क्या करना है क्या नहीं करना है. चलिए, तो फिर आप लोगों ने सारी चीजें लिख ली है, मैं फिर से इसको शेयर करता हूँ प्रैक्टिकल को, मतलब सॉरी प्रेजेंटेशन को, so that you will be able to write. अब हम क्या करेंगे, मैं आपके साथ ही कर रहा हूं. चलिए, ये आपका ऑब्जर्वेशन टेबल है, कौन सा वाला? फर्स्ट वाला. ठीक है, तो फर्स्ट वाले ऑब्जर्वेशन टेबल में यहां पर मैं लिखूंगा क्या, पायलट रीडिंग क्या लिखूंगा, 2, इनिशियल रीडिंग 0 एंड डिफरेंस इज 2. ओके, मेरे साथ ही लिखते जाइए आप तो आपको इजी हो जाएगा. एंड अवर एक्यूरेट रीडिंग वाज 0 शुरू होता था 1.3 एंड 1.3. एज आई टोल्ड यू के भी वर्चुअली हम कर रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं, तो यहां पर आप सीधे तीनों तीन रीडिंग सेम लिख सकते हैं. सो ऑब्वियसली माई कॉन्स्टेंट रीडिंग इज 1.3. मैंने कहीं गलती की है, कुछ दिख रहा है गलती, जानबूझ के किया है मैंने, क्या गलती की? यस, देखो माइक्रो माइक्रो रीडिंग हमेशा फ्रैक्शन में आएंगे जबकि पायलट रीडिंग हमेशा इंटीजर्स में आएंगे. बराबर से दिमाग में बिठा लो ये चीज को. राइट, लिख लिया सब लोगों ने फटाफट? ओके, सिमिलरली आई विल राइट माई रीडिंग्स फॉर बॉइल्ड वॉटर. तो बॉइल्ड वॉटर के लिए मैं क्या करूंगा, यहां 0, यहां पर कितना था पायलट रीडिंग? 1. ओके, यहां पर क्या था? 0.6. 0.6, सब में 0.6 लिखेंगे हम लोग अभी. ओके, ऑब्वियसली मेरा कॉन्स्टेंट रीडिंग हो जाएगा 0.6. फाइन, कैलकुलेशन देखते हैं अभी हम लोग. चलिए, तो हमारा V1 जो है वो कितना आया पहले वाला रीडिंग? 1.3. चलो कैलकुलेशन करके मुझे दिखाओ कितना आएगा, इसका आंसर कितना होगा? 10 ml में 1.3 है तो 130 ppm. करेक्ट, ओके, गुड. तो सिमिलरली मेरा जो V2 है वो सर परमानेंट एड्रेस 60 ppm होगा. हाँ, ये V2 है मेरा 0.6, सो मेरा यहाँ पर आएगा 60 ppm. राइट, फाइन. नाउ लेट मी राइट द रिजल्ट्स. फाइन, चलिए रिजल्ट लिखते हैं हम लोग. तो टोटल हार्डनेस हमारी कितनी आई थी? 130 ppm. व्हाट वाज द परमानेंट हार्डनेस?
Yes. Then what is the temporary hardness? 70 हो गया. Okay. Clear? कि नहीं? This is all about the practical. Now I am giving you 15 minutes, and you have to write all these question answers. Come on. So practical is over. Now you have to give the quiz assignment. आपको करना है, ठीक है? चलिए assignment करिए. और वो आप रिजल्ट लिख ले. क्या क्या? रिजल्ट लिख रहा है, एक मिनट. हाँ, रिजल्ट लिखिए, उसके बाद असाइनमेंट क्विज चालू करिए. चलिए 1 2 3 4 5 6 और ये कंप्लीट करना है. यू कैन रेफर गूगल बुक, कुछ भी रेफर करके ईबीटी का स्ट्रक्चर, ईडीटीए का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सही होना चाहिए बस. क्वेश्चन आंसर सारे हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है सर? यस. ये ना कुछ पता है. क्या क्या क्या? पांचवा, ये पांचवा क्वीज है ना, क्वीज नंबर 5 नंबर. क्यों? ये तो न्यूमेरिकल है, ये तो मैंने करवाया. बंदे, हमने 10 ml सैंपल लिया, हमारा कुछ रीडिंग आया कि नहीं? अभी उसने 100 ml सैंपल लिया, उसका ये रीडिंग आया. सारा कैलकुलेशन तो सेम ही है. देखो ये उसने, हमने 10 ml लिया, 1.3 रीडिंग आया. उसने 100 ml लिया तो उसका 24.8 रीडिंग आया. कैलकुलेशन तो वही इसमें जाएगा ना आपका, कि V2 ml क्या आएगा? 10 ml हार्ड वाटर कंज्यूम्स दिस मच, देन 1000 ml कंज्यूम्स हाउ मच. सिंपल सी बात है. इसमें 10 ml किएगा, 100 ml आ जाएगा. 100 ml हार्ड वाटर कंज्यूम्स 24.8, तो 1000 ml में कितना आया? समझ में? बस वो सेम ही है, कोई फर्क नहीं है. जस्ट हमने वॉल्यूम से खेला है, बस और कुछ नहीं है. जस्ट वी हैव चेंज्ड. सो 15 मिनट्स में दे रहा हूं. आप पांचों क्वेश्चंस लिख के मुझे चैट में लिखिए, कंप्लीट और डन. सर? यस सर. वो थर्ड वाले में बफर सॉल्यूशन क्या है, वो क्या लिखेंगे? वॉट इज बफर सोल्यूशन? बफर का डेफिनेशन लिखो. क्यों? बफर का डेफिनेशन लिखो. बफर सोल्यूशन क्या है वो डेफिनेशन ढूंढो. ढूंढो तो सही, इतना मैंने पढ़ाया तो भी अभी ढूंढने का भी प्रॉब्लम है. यस सर. वो डिफाइन टाइप्स ऑफ हार्डनेस, उसमें सुडो हार्डनेस. सुडो? नो नो नो, नहीं, सुडो हार्डनेस नहीं लेनी है. दो दो, टेम्पररी एंड परमानेंट, दैट्स ऑल. चलो लिखो. Thank you.
सर वो लास्ट क्वेश्चन क्या है, सिक्स्थ वाला? हाँ
यस सब लोगों ने लिख लिया, रिकॉर्ड बुक कंप्लीट। चलो यू कैन यूज, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम ईबी दिस बुक और एनी यू नो गूगल साइट ऑल्सो फॉर द स्ट्रक्चर्स। इट इज योर असाइनमेंट, तो आपको थोड़ा बहुत तो पेन करना पड़ेगा ना, बाकी सारा तो क्वेश्चन आंसर्स मैंने बता दिया आपको। एटलीस्ट स्ट्रक्चर्स ढूंढने के लिए तो पेन लो थोड़ा बहुत। रिकॉर्ड बुक सारा कंप्लीट हो गया कि नहीं हुआ ये बताओ मुझे। रिकॉर्ड बुक, रिकॉर्ड बुक कंप्लीट हो गया होगा तो आपको मैनुअल लिखना बहुत इजी हो जाएगा, मैनुअल एकदम सिंपल हो जाएगा आपका। हेलो सर, वो मेरा थोड़ा बाकी रह गया था क्वेश्चन, तो सर आपका स्क्रीन ग्रे हो गया है। बोल लिखो। चलो थैंक यू सर। सर वो आप मेल कब करोगे मैनुअल? मैनुअल बस ये लेक्चर खत्म होता है उसके बाद मैं मेल करूंगा, ठीक है? एक्चुअली कर सकता हूँ अभी भी, लेकिन अभी आप लोगों को ये लिखना है ना, इसलिए स्क्रीन चेंज करूंगा तो आप लिख नहीं पाओगे, नहीं तो मैं अभी बातें करते करते कर देता ना। सर फिर उसमें से उसको प्रिंट करके हम वो रीडिंग लिख दें ना सिर्फ? सेम लास्ट टाइम जैसा ही सब कुछ। Then scan the this record book as well as your manual pages. और उसका एक PDF file बना के आपको ready रखना है, जब भी आपको आता है कि upload करो, do it. Okay. ओके हो गया सबका डन? यस सर। अभी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बाकी है सिर्फ। क्यों भाई इतना टाइम में तो, इतना टाइम में तो सारी चीजें हो जाती है यार। 5 क्वेश्चन छोटे छोटे लिखने हैं, इसमें कहाँ टाइम इतना जाता है। सबको बाकी चलो फटाफट करो यार। हेलो सर, हेलो
हेलो या सबका खत्म? यस प्रैक्टिकल एकदम प्रैक्टिकल क्लियर से समझ में आ गया एकदम अच्छे से? कोई प्रॉब्लम है? अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो कोई टेंशन मत लो, ये आपका प्रैक्टिकल मैं फ्राइडे तक अपलोड भी करूंगा, ठीक है? तो सब कुछ मिल जाएगा, चिंता मत करो, राइट? और लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा, आज का लेक्चर कल तक हो जाएगा लेक्चर अपलोड, बराबर? तो आई होप के यू हैव एंजॉयड द प्रैक्टिकल पार्ट, एंड इफ स्टिल एनी क्वेरी इज देयर यू कैन आस्क मी नेक्स्ट टाइम, राइट? तो टेक केयर एंड बी सेफ, बिकॉज नाउ इट्स अगेन मेरा उसके बाद भी एक लेक्चर है, लंच के बाद भी तुरंत ही, तो आई एम जस्ट क्लोजिंग दिस सेशन राइट नाउ, ओके? थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर. थैंक यू सर, बाय बाय. कंप्लीट द रिकॉर्ड बुक एंड मैन्युअल बोथ, राइट? हेलो सर. यस सर, वो केमिस्ट्री थियरी का जो लेक्चर था उसके असाइनमेंट के बारे में पूछना था कि वो आप सेंड करोगे तभी करना है ना असाइनमेंट? कौन सी केमिस्ट्री थियरी का असाइनमेंट बेटा? मतलब अभी आपने कुछ भेजा नहीं है ना, ऐसे पूछ रहा था मैं. नहीं, अभी तक तो असाइनमेंट आया ही नहीं, किसी को भी नहीं दिया है. वो आएगा जब सब कुछ आएगा, सब कुछ मेल से ही जाएगा, तो बी यू नो अटेंटिव एंड बी अलर्ट एंड कीप वॉच ऑन योर मेल्स ऑलवेज. मेल्स पे ध्यान रखिएगा, मेल से ही सब कुछ आएगा, ठीक है? हाँ, मतलब आप मेल से ही असाइनमेंट भेजोगे ना, वैसे ही पूछना था. सब कुछ मैं भेजूं या ऊपर से कोऑर्डिनेटर भेजते हैं, जो भी है, मैडम है, नेहा मैडम, जो भी होगा वो सारा सेंट्रली होगा, या तो जो भी होगा वो सारा बाय मेल ही होगा, राइट? सो कीप वॉच ऑन मेल. ओके सर, थैंक यू. या ओके, बाय. Thank you.